अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। काफी लंबे अरसे के बाद आप मुझे देख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद जो है मैं सोशल मीडिया पे न हुआ हूँ, यूट्यूब पे न हुआ हूँ। तो मेरे बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी थे फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। तो बहुत सारों को मैंने जवाब दिए, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों को मैं जवाब नहीं दे पाया। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। जो मेरा लास्ट या उससे पिछला वीडियो होगा जिसमें मैंने खुला बताया कि मेरे साथ क्या इशू हुआ है। तो अभी वो इशू हम साइड में रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि अभी मैं बहुत सेट हो चुका हूँ। तो जैसी मेरी कंडीशन जो है अल्लाह के हुक्म से बेहतर हुई है, तो सोचा सबसे पहले अपनी YouTube जो फैमिली है मेरी, उनको जाके हेलो हाय कर लें, सलाम दुआ कर लें, उनको ये बता दें कि इंशाल्लाह अब जो है मैं कोशिश किया करूँगा कि सबका रिप्लाई भी दे दूँ YouTube के ऊपर। उसके बाद जो लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे इंस्टा पे या जिधर भी कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं उनको भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वीडियो लिंक दिए थे, कुछ इशू दिए थे, कुछ चीज़ें दिए थी, लेकिन मैं उनके ऊपर बात नहीं कर सका। तो बात करने का मुझे मज़ा तब आता है, बात करने का इशू तब आता है जब लड़ना या जो भी करना या अच्छा मैसेज देना, कुछ भी करने का मज़ा तभी आता है जब मैं इस चीज़ को खुद ही देखता था, सुनता था, उसके ऊपर पूरा सर्च करता था कि असल मामला क्या है, तो तभी मैं वीडियो बनाता था। तो खैर इंशाल्लाह अभी मैं इन हो गया हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखूंगा, सुनूंगा, जो भी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसके ऊपर बात जरूर करूंगा। लेकिन जो टाइम गुजरा है इंडिया के ऊपर कोरोना वायरस का, उसके लिए मैं बहुत सारा दुख था, बहुत सारा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब भी था। उसके मुझे काफ़ी सारे दोस्तों के फ्रेंड जो हैं मेरी, दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो काफ़ी सारों ने मुझे अपने वहाँ के इशू भी बताए। कुछ लोगों के जो मेरी बहुत क्लोज थे, उनके किसी की वालदा, किसी का फादर, किसी का भाई, मतलब सिस्टर, इस तरह उनकी बहुत सारों की दाँत हुई है। तो मैं उन सब के लिए दुआ दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, और आप सब भी उनके लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। और बस ये है कि मैं छोटा सा भी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए आया हूँ, यही बताने आया हूँ कि इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर इन रहूँगा, आता रहूँगा, हर चीज़ को फॉलो करूँगा, देखूँगा, सुनूँगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो फिर भी जिनको मैं कोरोना वायरस के दिनों में जिनकी हेल्प कर सका, उनका तो चलो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और जिनकी नहीं कर सका उनके लिए मैं बहुत सारा सॉरी करता हूँ। और ये वीर आपके लिए तब हमेशा आपके सामने रहता है जब खुद फिट होता है। तो अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अभी मैं इस लेवल पे नहीं था कि मैं आप लोगों की बातों को सुन सकूँ, फिर उसके ऊपर कुछ बात कर सकूँ। तो मुझे मतलब सीधी सी दो लफ्ज़ सीधी बात बोलूँगा, मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। मुझे यही था कि शायद अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो अल्लाह ने मुझे याद कर लिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे और मौका मिला कुछ और करने के लिए, क्या करने के लिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करूँगा इंशाल्लाह अच्छा ही करूँगा, जो हमेशा अच्छा करता हूँ और हमेशा अच्छा ही करूँगा। कोई गलत चीज़, गलत मैसेज कभी किसी को नहीं दूंगा, हमेशा सबकी सपोर्ट करूँगा, जितना मुझसे होगा उतना प्यार सबके साथ करूँगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। जो लोग आप मुझे लिंक करते हैं, मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश अभी भी करूँगा, और इंशाल्लाह मैं एक्टिव रहूँगा हर चीज़ के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। कौन कौन मुझे याद कर रहा था, कौन कौन नहीं कर रहा था, वो भी जो मेरे मुखाली भी तो है ना, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि जिनको अब मुझे देख कर खून खोलेगा कि वीर फिर आ गया, अब इसको कैसे हटाएं। तो ये हटने वाला नहीं है, जब तक इसके अंदर जान है ये हटने वाला नहीं है, ये तो मैं उन सारों को खुला बता देता हूँ। तो दूसरा ये है कि जो लोग मुझे याद कर रहे थे, मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सबको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ। मेरे सारे भाइयों को, सारी बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।